वेल द बैक टॉक बिल्कुल भी रोहित की आइडिया है. बेबी हाउ डिड इट कम टू यू? तो मैं काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग करता था, तो आप देखेंगे आज के दिन में आपको काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे सब कुछ मिलता है, हर चीज़ मिलती है. बट बैग्स एज अ फैशन एक्सेसरी आपको एक डेस्टिनेशन कभी नहीं मिला है. तो हमने बोला कि वाई नॉट, तो आई पार्टनर्ड अप विद समबडी जिनका पूरा बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है. और उसके चक्कर में हमने बोला कि हम एक पूरा एक वेबसाइट डेडिकेट करेंगे जहाँ पे हर चीज़ जिसमें बैग्स इन्वॉल्व हो, बी इट डाइपर बैग, लगेज, विमेंस बैग, स्पोर्ट्स बैग, एडवेंचर बैग, हर चीज़ का बैग मिलेगा. तो ये आइडिया हमारा कंसेप्चुलाइज हुआ था मई में लास्ट ईयर, और आज हम ऑलमोस्ट लॉन्च के लिए तैयार हैं. अनीता के लिए शॉपिंग करता था मैं, वही बोल रहा हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता था अनीता के लिए. हाँ, मैं अपने लिए, इवन मेन कैरी सो मेनी बैग्स. नहीं, मैं अपने लिए कभी शॉपिंग ही नहीं की है मैंने अनीता. तो बेसिकली आइडियाज दिनेश के थे कि यू नो कैसा फ्रेमिंग एंड ऑल, एंड ऑफ कोर्स बैग्स को कैसे और भी खूबसूरत दिखाना है. एंड जहाँ तक रेंज का सवाल है, सो बेसिकली आई द बैक टॉक में मेरा भी एक रेंज होगा जिसका नाम है AHR रेंज, जिसकी बैग्स टू एन एक्सटेंड मैंने डिज़ाइन की है. हमने शॉर्टलिस्ट किए चाइना जाके कि कैसे टाइप की होनी चाहिए, एंड उसमें थोड़ा मेरा एडिशन, थोड़ा इनका एडिशन. सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड. आई जस्ट होप के लोगों को मेरा रेंज पसंद आए. इट्स अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल, कैजुअल, बिग बैग, स्मॉल बैग्स, एंड आई थिंक लोगों को पसंद आएगी. सो सर, ऐसा है कि आपको ये वेबसाइट पे आपको हर ब्रांड मिलेगा, कोई भी आपने ब्रांड जो मार्केट में सुना है, VIP हो या लावी हो या कोई भी ब्रांड जो ऑलरेडी मार्केट में है, उनको हम ऑलरेडी ऑनबोर्ड ले आए हैं. बट हमने उसके एक स्टेप आगे जाके हमने क्या किया, हमने कुछ एक्सक्लूसिव कलेक्शंस लेके आए हैं, जैसे अनीता का रेंज हो गया AHR कलेक्शन, जहाँ पे हमने बोला यूथ वुमेन फैशन के लिए डेडिकेट करेंगे. फिर वी हैव रणविजय सिंह, उनका भी रेंज आ रहा है, वो है एडवेंचरिश, मोर बैकपैक्स एज सच. अभी 3-4 दिन पहले हमने जॉन्टी रोड्स को साइन किया है, तो उनका पूरा स्पोर्ट्स रेंज निकाल रहे हैं हम. ऐसे करके हम एक्सक्लूसिव कलेक्शन निकालेंगे जहाँ पे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, एंड वेरी रीजनेबल. द आई थिंक द USP ऑफ दिस इज गोइंग टू बी कि आपको ब्रांडेड चीज़ें, यू नो लाइक सेलिब्रिटी रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी, वो भी एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में. लाइक माई रेंज मैक्सिमम विल गो अप टू 5,000. दैट इज़ लाइक आई एम सेइंग मैक्सिमम. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट क्लच, क्योंकि ये नहीं, ये मैंने डिजाइन किया. रोहित ने तो मुझे पूरा बैकटॉक गिफ्ट किया, पूरा बैकटॉक दिया है, और क्या गिफ्ट करूं. सो बेसिकली बेबी शो, सो दीस क्लचेस आर वेरी क्लासी. ऐसे और भी कलर्स हैं, और भी कलर्स हैं. तो बेसिकली इसमें आप, एक तो हम जब पार्टी पे जाते हैं, कई बैग्स क्या होती हैं बहुत छोटी होती हैं, दिस इज़ लाइक द राइट साइज. इसमें आपका फ़ोन भी आ जाएगा, आपका मेकअप भी आ जाएगा, आपका कार्ड भी आ जाएगा. तो यू नो वो सब सोच के मैंने ये चूज़ किया, एंड दिस विल गो विथ प्रैक्टिकली एवरीथिंग. इनफैक्ट इसमें एक स्लिंग भी है, अगर आप क्लच की तरह पकड़ के थक जाएँ, सो यू नो यू कैन जस्ट वेयर इट लाइक दिस. इट लुक्स वेरी वेरी स्मार्ट, एंड किसी भी आउटफिट के साथ आप इसको टीम अप कर सकते हैं. सो दिस इज डेफिनेटली माई मोस्ट फेवरेट. ये हाँ, ये कुछ थोड़ा डिफरेंट है, ये आप बताएंगे. हाँ, मैं अभी ट्राई अटेम्प्ट करूँगा मैं. तो ये अगर आप बैग देखेंगे तो ये मोर इज मोर लाइक अ स्ट्रीट फैशन जैसे बोलते हैं ना, तो आप डेनिम के साथ, टोन जीन्स के साथ, गंजी पहन के आप कैरी कर सकते हैं, और ये 6 कलर्स में आएगा. ड्रेस के साथ भी कैरी कर सकते हैं. आई कैन इजीली पुल इट ऑफ विद अ गाउन. बेबी यू कैन पुल ऑफ एनीथिंग विद अ गाउन, सो डोंट वरी. जनरली आई एम सेइंग ये कैजुअल होगा ना, तो प्राइसिंग हम एक्चुअली रिवील करेंगे 24th को, वेयर एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, एंड वी आर डूइंग अ मेगा लॉन्च. एंड 24 को आपका वेबसाइट विल बी फंक्शनल, आप 24th से शॉपिंग कर सकते हैं. अच्छे बिजनेसमैन की तैयारी कर रहे हैं. क्वालिटी आ जाती है ना. तो बिजनेस होपफुली इट पिक्स अप. मोर इम्पॉर्टेंटली एटलीस्ट हमारा इंटेंशन अच्छा है, वी वॉन्ट टू डू गुड. हमारा एकदम पूरा कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच रहा है वेबसाइट के लिए भी, तो देखते हैं लोगों को कैसे पसंद आता है. तो मैं तो बहुत थ्रिल्ड हूँ कि द backtalk.com लॉन्च हो रहा है 24th को, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, गो डाउनलोड द साइट राइट नाउ एंड एंजॉय शॉपिंग. डेफिनेटली हम बहुत रोमांटिक हैं, पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा रोमांस नहीं कर पाए क्योंकि द बैकटॉक को लेकर काफ़ी बिजी हैं, लेकिन वी विल मेक अप फॉर इट ऑन वैलेंटाइंस डे एंड आफ्टर वैलेंटाइंस डे. आई डोंट थिंक एक ही दिन होता है वैलेंटाइंस डे मनाने का, रोमांस और प्यार दिखाने का हर दिन, यू नो, जब मौका मिले दिखाना चाहिए, एंड दैट इज़ वॉट रोहित डज. एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट यू शुड लव योर पार्टनर ईदर वेज, जो भी दिनों फर्क नहीं पड़ता. रोहित, क्या कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रहेगी आपकी वैलेंटाइन डे के? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है कि
कि यस मैन बने रहिए, आप अपने वाइफ को खुश रखेंगे हमेशा, जो बोले वो हम हमेशा यस करते रहिए, निभाना है कि नहीं निभाना वो बाद में की बात है, बट यस मैन बोलना बहुत जरूरी है। बंदूक के नोक पे हम जो बोले से आ रहा है और जब भी मैं मांगती हूँ मुझे मिलता है तो सेट है लाइफ। चलिए तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वैलेंटाइंस एकदम अराउंड द कॉर्नर है, तो वी वांट टू विश एवरीबॉडी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बट सेलिब्रेट एवरी डे लाइक वैलेंटाइंस डे, लव योर लव्ड वंस, लव एवरीबॉडी अराउंड एंड नॉट ओनली योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर पेट्स, एवरीबॉडी, एंड हैव अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइन वीक एंड अ वंडरफुल वैलेंटाइंस डे। एंड बैक टॉक तो एनी वे 24th ऑफ फेब्रवरी विल बी लॉन्चिंग, तो एवरीबडी इज़ इन्वाइटेड, आप प्लीज़ आइए विजिट करिए साइट, दुनिया भर की चीज़ें आपको मिलेंगी रिलेटेड टू बैग्स एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच।